नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की 15 से लेके 20 बड़ी खबरों के बारे में। सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। सारी खबरों को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि हर खबर आपको काफ़ी जानने वाली मिलने वाली है। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा अगर लाइक नहीं कर रखा तो। जी हाँ, पहली खबर आ रही है शिवराज सिंह का घर घर संपर्क, चौपाल पर चर्चा, कहा पीएम मोदी के 400 प्लस के लक्ष्य को पूरा करेगा गांव चलो अभियान। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पर भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमलों के फूलों की माला पहनाई जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है इस पर एक बार विचार अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, मध्य प्रदेश में आप कौन से शहर से, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के लिए 3 सुविधाएं शुरू, जानिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा। जी आप सबको बता देते हैं, अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुए, जिसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारें किसान प्रीमियम के रूप में केवल 1 रुपए के साथ सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करके किसानों का समर्थन करने के लिए आगे आई है। पिछले कुछ समय में योजना के क्रियान्वयन के लिए सुधार में प्रयास लगातार जारी है और इस चीज़ से काफ़ी बड़ी मदद मिलने वाली है, जिसमें इस चीज़ का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इससे काफ़ी लोगों को फायदा वाकई में मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट से लेकर। जी हाँ, ऐसी कार्रवाई होगी कि ये लोग याद रखेंगे, हरदा में बोले सीएम मोहन यादव। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं कि इस चीज़ को लेकर जो जितनी भी चीज़ें देखने को मिली है उसी को लेकर मध्य प्रदेश के हरदा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ, हादसे में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, 100 से ज़्यादा पीड़ितों का अभी तक उपचार चल रहा है, अभी भी 2 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं वो हरदा पहुँचे, जहाँ सीएम यादव ने घायलों से मिले और उन्होंने कहा कि हादसे के दोषियों की सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश में फर्जी प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्र समेत 3 गिरफ्तार, 4 से 5 हज़ार में बेचे थे पेपर। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं एमपी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जो फर्जी पेपर लीक के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्टूडेंट से गुमराह कर फर्जी पेपर लीक करके उनसे रुपए वसूले थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है इंदौर में 23 करोड़ की लागत से बनकर लता मंगेशकर ऑडिटोरियम तैयार, कल सीएम मोहन यादव कर सकते हैं उद्घाटन। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम तैयार हो गया है, जिसमें 23 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और इंदौर में जो बनकर तैयार हुआ है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर इसका उद्घाटन 6 फरवरी को सीएम मोहन यादव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है जबलपुर में शराब के नशे में धुत शिक्षक पहुंचा स्कूल, बच्चों ने वीडियो बनाकर किया वायरल और हुआ सस्पेंड। जी हाँ, शिक्षक को कई बार अभिभावकों से अधिकारियों ने समझाया था लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ नशा करता था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है पिछले साल जिन 3 राज्यों में भाजपा की हुई थी जीत, वहाँ अब लोकसभा चुनाव में किसका होगा जलवा, एक सर्वे में पता चला है। जी हाँ, सर्वे के मुताबिक इस साल होने जा रहे जो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा शानदार जीत दर्ज कर सकती है और एक राज्य में तो कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 1 सीट उन्हें मिल सकती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 सीटें जीती जा सकती है और अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बताया जा रहा है कि लगभग 6% वोट मिल सकते हैं और जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 25 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर सकती है। तो ये तो आंकड़े आने वाले समय में पता चलेगा, ये तो एक सर्वे में पता चला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हाईकोर्ट की नाराजगी, कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा, आवेदक पर 20,000 की कॉस्ट लगाई। जी हाँ, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जबलपुर निवासी भानु सिंह तोमर की तरफ से याचिका दायर कर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 दिसंबर को 2021 में राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई और याचिका में पीएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान उम्मीदवारों को रोकने की मांग की गई थी। तो ये जो चीज़ें उन्होंने की उसकी वजह से अब उन पर फाइन लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है इंदौर से लेकर। जी हाँ, नायता मुंडला बस स्टैंड 16 फरवरी से होगा शुरू, 2 बस स्टैंड होंगे शिफ्ट। जी हाँ, नायता मुंडला बस स्टैंड से शहर के मध्य हिस्से राजवाड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर है, इस कारण से पर्यटकों को मध्य हिस्से तक आना मुश्किल हो गया है। वहाँ फिलहाल लोक परिवहन के साधन भी कम हैं, इसके अलावा रिक्शा भी कम चलते हैं, तो इसके लिए इस चीज़ को शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कृषि उपज मंडी की भूमि से हटाया अवैध अतिक्रमण, 29 करोड़ सरकारी जमीन पर था कब्जा। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं कि मंदसौर जिले में सुवाश्रा में स्थित कृषि उपज मंडी की जमीन पर कई वर्षों से भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन ने पूरी प्लानिंग के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 29 करोड़ 18 लाख रुपए की शासकीय भूमि को जेसीबी चलाकर भूमाफियाओं से मुक्त
करवा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एमपी के मौसम के बारे में। ठंडी हवाओं ने कंपकपाया कई जिलों में, चली शीतलहर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लौटी ठंड। दोपहर तक छाया रहा कोहरा, शाम को फिर से तापमान में आई गिरावट, क्योंकि मौसम अभी तक सही हुआ नहीं है। कभी कभी बारिश तो कभी वापस ठंड हो रही है। आपके वहाँ पे कैसी बारिश है, ठंड है, मुझे कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से कथक कुंभ में 1500 कलाकार बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्म राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभाव धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के उत्सव का उजास 20 फरवरी से खजुराहो नृत्य महोत्सव के रूप में होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है विधानसभा में 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, कल होगी सदन में चर्चा। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट क्षेत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए कुल 30,265 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें राजस्व मद में 10,173 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 20,092 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गुरुवार को अनुपूरक बजट के साथ ही सीएजी रिपोर्ट को सदन ने पलट कर रखा गया है। जी हां, 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट पर शुक्रवार को चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। जैसे कोई बजट की और जानकारी आएगी तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है इंदौर से। हुकुमचंद मिल के 446 श्रमिकों को मिला पैसा, फरवरी माह तक सभी 5,000 खातों में पहुंचेंगे 218 करोड़। जी हां, प्रदेश सरकार ने 1.5 माह पहले एक आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिसमापक के खाते में राशि डाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ श्रमिकों से वर्चुअली आयोजन में जुड़कर बातें की थी, लेकिन उसके बावजूद पैसों में खाता नहीं आ रहा था, तो बस अब वो खाते में पैसा आना जल्द ही शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है भाजपा ने 6 सीटों के लिए बनाया पैनल, नरोत्तम भी उतरे मैदान में, क्या शिवराज लड़ेंगे छिंदवाड़ा से चुनाव। जी हां, अभी के टाइम पे हर जगह से चुनाव के लिए काफ़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसमें भाजपा सूत्रों का कहना है कि मुरैना लोकसभा सीट पर निवृत्तमान सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, ब्रजराज सिंह के नाम पैनल में शामिल किए गए, जबकि जबलपुर सीट पर निवृत्तमान सांसद रहे राकेश सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, आशीष दुबे और सुशील तिवारी के नाम शामिल है। बाकी तो अब देखने को मिलेगा कि कौन कैसे चुनाव लड़ता है, वो तो समय आने पे जब लिस्ट जारी होगी तभी पता चल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बजट सेशन से लेकर। जी हां, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मिलेगा लंबित प्रश्नों का उत्तर, नियमों में बदलाव। जी हां, पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे और इससे लोकहित के कई विषयों में जितनी भी जो कार्यवाही है वो नहीं हो पाती थी, किंतु अब नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है ट्रक में भरकर मवेशियों को बुच्छड़खाना ले जा रहे थे आरोपी, पुलिस ने की कार्रवाई। जी हां, शहडोल में मवेशी तस्करी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने गोहपारू में पहुंचकर 2 ट्रकों को जब्त किया था, जिसमें आधा सैकड़ों से अधिक मवेशी को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया था। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन बेखौफ मवेशी तस्कर मवेशियों की तस्करी अभी भी कर रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी हां, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का दल राष्ट्रीय रक्षा व सामरिक अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के प्रवास पर है। गुरुवार को 7 देशों की सुरक्षा अधिकारियों ने महाकाल मंदिर की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को समझा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है जब इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग आएंगे, इतने श्रद्धालु होंगे, तो हर चीज़ को अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ था तब कितनी चीज़ों को सुरक्षा का इंतजाम हुआ था, वैसे ही जब भीड़ होती है तो इन सुरक्षा के इंतजामों को करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश एमपी की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी और अच्छी वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को निशान दबाने बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि हर खबर आपके फोन पे सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।